हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 2.1, जो कि इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुपद के बारे में पूरे डिटेल से एक छोटे सी वीडियो में बना के दिया गया। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा गाइस, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें वहां हमने आपको बता के रखा है, जो कि बहुत ही रुचिकर बातें हैं, तो आप उसे जरूर देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पेज पे लिखा गया है, यहाँ आपको सवाल पे यहाँ लिखा गया है, हमने नहीं लिखा है। अब उसको सवाल में पूछ रहा है कि आपको बताना है कि निम्न बहुपदों में से कौन कौन से एक चर, कितने चर में बहुपद है, या तो ये समझ लीजिए कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है वो आपको बताना है। गाइज, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो ये तो मिनटों का सवाल है, एक मिनट में आप पूरे सवाल को सॉल्व कर जाओगे। गाइज, कहीं भी कुछ भी नहीं रखा गया है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि कौन कौन से बहुपद हैं जो कि एक चर में है वो हमको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, एक चर का मतलब होता है कि केवल x आया हो, केवल y आया हो, केवल a आया हो, केवल b आया हो, मतलब केवल एक अक्षर वाले शब्द आने चाहिए, बस ध्यान समझिएगा। तो यदि अगर हम इसकी बात करें तो इनमें देखिए कि प्रत्येक चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या है, अर्थात यहाँ भी दो है, यहाँ भी एक है, अर्थात ये बहुपद है। और कितने चर में बहुपद है? एक चर, क्योंकि केवल x आया है, इकलौता x ही एक चर है। तो लिख देंगे यह एक चर में बहुपद है, यह एक चर में बहुपद है। क्या है? एक चर में बहुपद है, क्योंकि क्योंकि x एक चर है, x एक चर है। आगे बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि यहां आप देखिए y केवल एक अकेला चर आया है और y की घात पूर्ण संख्या है, अतः लिख देंगे यह एक चर में क्या है? बहुपद है। एक चर में बहुपद है, यह एक चर में क्या है? बहुपद है, क्योंकि जो चर है केवल y है। ठीक उसी प्रकार हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से। तो कर्णी हटता है गाइस, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ये अंडर रूट टी है। अंडर रूट टी हटाओगे तो यहाँ पावर 1/2 लग जाएगा, टी के पावर 1/2 लग जाएगा और प्लस टी कर्णी में 2। गाइस ध्यान से, अगर मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर आपने देखा होगा तो हमने बताया होगा कि बहुपद में जो चर राशि आई रहती है उसकी घात पूर्ण होना चाहिए, घात कभी ऋण नहीं होना चाहिए, घात हमेशा पूर्ण और धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए। तो देखिए ये 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात यह बहुपद नहीं है। लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टी का घात, क्योंकि टी का घात पूर्ण संख्या नहीं है, टी का घात पूर्ण संख्या नहीं है। इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई गाइज। अब हम चर्चा करते हैं फोर्थ नंबर की बात, इसको भी जरा सा सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि मैं ये वाई यहाँ लिखे रहूँ और प्लस ये y को ऊपर लेके जाएं, इस y को ऊपर लेके जाएं तो ये y ऊपर जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा। और हम देख पा रहे हैं यहाँ तो y का घात पूर्ण है, पर यहाँ y का घात पूर्ण तो है पर ऋणात्मक है। हमने बताया है कि जब घात आपका ऋणात्मक हो जाएगा तो ये घात बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि क्योंकि y की घात ऋणात्मक है। y की घात क्या है गाइज? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। बात आप समझे, ये बात यहाँ नोट कर देंगे। लास्ट देखते हैं, यक्स घात 10, यक्स एक चर है, y सेकंड चर है और t आपका क्या है? थर्ड चर है। और देखिए सबकी घात पूर्ण संख्या है और सबकी घात क्या है? पूर्ण संख्या है, अतः लिख देंगे यह
एक चर में नहीं, एक दो तीन, यह तीन चर में बहुपद है, तीन चर में बहुपद है। और कौन वो तीन चर हैं? एक्स वाई और टी। इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। तो गाइज इस प्रकार आपका पहला सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा क्या पूछ रहा है, निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इधर रफली में आप समझो। गुणांक का मतलब होता है जैसे हमने 7x स्क्वायर लिखा, फिर 8x स्क्वायर लिखा, फिर x स्क्वायर लिखा, फिर 5/2x स्क्वायर लिखा। तो गुणांक का मतलब होता है गाइस जानते हो, x स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई किया गया, x स्क्वायर में किसका गुणा किया है, वही x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ 7 का गुणा किए हो तो x स्क्वायर का गुणांक 7 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो x स्क्वायर में किसका गुणा किया गया, 8 का, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो x स्क्वायर में किसका किसका गुणा किया गया, किसी का नहीं, तो वहाँ गुणांक कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर का गुणा किस में किया गया, 5/2, तो x स्क्वायर का गुणांक 5/2 हो गया। तो इस प्रकार आपको सवाल को समझना है। तो देखिए गाइज इसमें देखिए, तो यहाँ x स्क्वायर में किसी का गुणा नहीं किया गया, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x स्क्वायर का जो गुणांक होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आप देखिए यहाँ पर गाइज, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान से x स्क्वायर का गुणांक आपका माइनस 1 आ गया। कितना आ गया गाइज, माइनस 1 आ गया। अगली बात करते हैं, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ x स्क्वायर में किसका गुणा किया गया, पाई बटे 2 का, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, पाई बटे 2। कितना हो जाएगा, पाई बटे 2। ध्यान से अब यहाँ देखिए, यहाँ इस पद में, इस बहुपद में क्या आपको एक्स स्क्वायर कहीं दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। यदि मैं यहाँ 7 के स्थान पे 0 कर दूँ, तो 0 का गुणा कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर तो रह ही नहीं जाएगा। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0। तो अर्थात यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं दिखाई पड़ रहा है, अतः इसीलिए लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, गुणांक है, वो क्या है, 0 है। इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब गाइस तीसरा नंबर क्या करा कि 35 घात का द्विपद और 100 घात का एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो आपको ऐसे दो पद लेना है, ऐसे दो पदी का बहुपद लेना है जिसकी घात क्या हो, 35 हो। तो चलिए एक नहीं कई एग्जांपल हम ले सकते हैं। यक्ष घाते 35+100, एक्स घाते 35+100। देखिए एक पद, दो पद और घात कितना है, 35 है। फिर उसके बाद आप ऐसे भी ले सकते हैं, 2y घाते 35, दो पद होने के लिए बोला है तो 2 भी लिख सकते हैं। फिर 7y घाते 35+ आप 75 भी लिख सकते हो, तो कुछ भी लिख सकते हो। पर गाइज घात 35 होना चाहिए और पद कितने होने चाहिए, 2। एक पद, दो पद, एक पद, दो पद, एक पद, दो पद। तो घात आपके 35 और पद कितने होने चाहिए, 2। तो ये 35 घात के हो गया। और क्या कह रहा है, 100 घात का एक पदी, तो वाई घाते 100 एक पदी लिखना है। फिर एक्स घाते 100 लिख सकते हैं, फिर 2x घाते 100 लिख सकते हैं, फिर 7y घाते 100, यानी केवल एक पद होना चाहिए। तो एक पद है, घात कितना है, 100 है। तो ये आप ऐसे उदाहरण दे सकते हो। तो गाइज आपका पहला, दूसरा, तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं अगले सवाल की। तो गाइज देखिएगा आपका चौथा नंबर क्या कर रहा है, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो गाइज ध्यान से देखिएगा, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि जो बहुपद की जो घात होती है, बहुपद की अधिकतम जो घात होती है, वही बहुपद की घात होती है। तो ध्यान से देखिएगा, अब देखिए इनमें जो बहुपद की घात, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, पर 1, 2 और 3 में सबसे बड़ी कौन है, 3 है ना। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद की जो घात हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। अब बताओ इसमें कितना है, यहाँ 2 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। बहुपद की जो घात होगी वो 2, जो सबसे अधिक होगा वही बहुपद की घात होगा। अब बताइए यहाँ कितना, यहाँ बहुपद की घात कितनी, 1 है। तो लिखेंगे बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 1। तो बहुपद की जो घात है वो कितनी है, 1 है। और यहाँ कुछ भी नहीं है यहाँ, क्योंकि आपका चर पद आया ही नहीं, जहाँ चर नहीं आ रहा था वहाँ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बहुपद की जो घात होगी वो क्या होगी, 0। बहुपद की घात क्या होगी, 0। अब हम लोग पांचवें तरफ की बढ़ते हैं। क्या करा, निम्न बहुपदों में कौन कौन से रैखिक हैं,
कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो ध्यान से समझिएगा, रैखिक बहुपद जिनकी अधिकतम घात एक होगा वो रैखिक बहुपद कहलाएगा, जिनकी अधिकतम घात दो होगा वो द्विघाती बहुपद, जिनकी अधिकतम घात तीन होगा वो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो बात करते हैं, आइए देखते हैं, यहाँ देखिए अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, दो है। अधिकतम घातों की संख्या क्या है, दो है। तो कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघातीय बहुपद। बात समझे। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक है और कौन है, तीन है। तो एक और तीन, तो सबसे ज्यादा कौन है, तीन है। तो कौन सा बहुपद हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से, यहाँ कितना है, एक है, दो है, और यहाँ कितना है, जीरो है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक और दो में सबसे बड़ा कौन है, दो है। तो कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। कौन सा बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, इसकी घात एक है, और मैंने बताया था जिसकी घात एक होता है वो कौन सा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक, इतनी बातें आप समझे, ध्यान से देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ कितनी है, इसकी भी घात कितनी है, एक है। अधिकतम घात कितनी है, एक है। तो ये भी कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद। फिर उसके बाद इसकी अधिकतम घात कितनी है, दो है। तो कौन सा बहुपद हो जाएगा गाइस, द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद होगा, द्विघातीय बहुपद। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, घात कितनी है अधिकतम, तीन है। तो कौन सा बहुपद हो गया, त्रिघातीय बहुपद। कौन सा हो गया, त्रिघाती बहुपद। तो गाइज इस प्रकार आज का लेक्चर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। और गाइज आज के लेक्चर में अगर कहीं भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज का लेक्चर कैसा लगा, आपको कैसा समझ में आया, वो जरूर कमेंट में लिखिएगा। गाइज वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।